नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। जय भारत पब्लिक स्कूल गांव नीम का फरीदाबाद के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार नागर ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ न भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो एक दूसरे के प्रति पुराने समय में रहा करती थी। मैं जय भारत पब्लिक स्कूल चेयरमैन वीरेंद्र कुमार गांव नीम का। सर, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। शिक्षा के स्तर को जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो और जी सरकार और शिक्षक सभी मिलकर सुधार सकते हैं। एक अकेला जो कोई भी पर्सन है वो कुछ नहीं कर सकता। अगर शिक्षक चाहें वो भी कुछ नहीं कर सकते। पेरेंट्स अगर अकेले चाहें कि हम अपने बच्चे को उच्च लेवल, वो भी नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो वो भी नहीं हो सकता। इसके लिए सबको एक साथ एकत्रित होकर मेहनत करनी होगी और जब हम ही आगे बढ़ सकते हैं और शिक्षा क्षेत्र को सुधार सकते हैं। सर, नैतिक मूल्यों में गिरावट जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? नैतिक मूल्यों में जो आजकल गिरावट चल रहा है उसके कुछ हद तक सरकार भी, अभिभावक भी और शिक्षक भी सभी जिम्मेदार हैं। कई आपने समस्याएँ सुनी होंगी कि कुछ शिक्षक भी बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ये ठीक नहीं। कुछ जो स्कूल है वो बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाना चाहते हैं शिक्षक, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो सहयोग नहीं देते, तो ये भी संभव नहीं है। सरकार अपनी पॉलिसी समय समय पर बदलती रहती है, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है, नैतिक मूल्यों को गिरने के कारण। सर, यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? यौन संबंधी एक महत्वपूर्ण समस्या जो देश के लिए आजकल काफ़ी बढ़ रही है, ये बहुत ही ज़रूरी है। हम भी चाहते हैं कि यौन जो शिक्षा है वो शिक्षा में शामिल हो। इसके लिए मेरे हिसाब से 11वीं क्लास तक अच्छा बच्चे समझदार हो जाते हैं और चीज़ को समझने लगते हैं। और हम नर्सरी से 10वीं तक बात करते हैं, बच्चे इनके बारे में विशेष ध्यान नहीं रखते और बच्चों को इस बारे में पता भी नहीं होता। तो 11वीं जाकर बच्चे 11वीं क्लास से अगर यह लागू की जाए तो बहुत ही अच्छा है। सर, आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है इन्होंने, कहाँ तक आप इस बात से सहमत हैं? देखो जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उनके भी अपने कुछ खर्चे हैं। जैसे अध्यापक उनकी फीस देते हैं, जो अध्यापक हैं उनकी सैलरी देते हैं, और भी अगर मेरा खर्चा है तो उसके हिसाब से फीस वसूल की जाती है। ये तो उनको भी मतलब का जो आरोप है पेरेंट्स वगैरह वो लगाते हैं। अगर आप किसी सहयोग नहीं है, आप सबको दिख रहे ज़्यादा ज़्यादा फीस है, तो आप अपने बच्चे को निकाल किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। सरकार ने भी काफ़ी सरकारी स्कूल में अनुदान दे रही है, अच्छे बच्चे अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पर भी, तो आप वहाँ ले जा सकते हैं। इसमें आरोप लगाने की जरूरत है। अगर हम कोई प्राइवेट स्कूल ज़्यादा फीस ले रहा है तो सरकार ने भी तो अपने स्कूल खोल रखे, आप वहाँ क्यों लीजिए, वहाँ पढ़ाइए आपने।